नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की पंचांग की संपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ मैं आपके मध्य में फिर से। आज है 16 नवंबर शनिवार 2019 और आज की पंचांग की संपूर्ण जानकारी तिथि वार नक्षत्र सहित शुभ अशुभ समय, आज का राहु काल, आज का अभिजीत मुहूर्त तथा आज की भद्रा स्थिति और साथ ही संपूर्ण पंचांग की जानकारी। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस से नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सूर्योदय एवं चंद्रोदय के बारे में। आज का सूर्योदय जो होगा वो होगा सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:27 पर। बात करें अगर चंद्रोदय की तो चंद्रोदय जो होगा वो होगा 8:41 पर शाम को और चंद्रास्त 10:05 को होगा। आइए बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। तिथि की बात करते हैं, कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 7:15 तक रहेगी शाम तक और फिर उसके पश्चात पंचमी तिथि होगी। बात करें अगर नक्षत्र की तो आद्रा नक्षत्र 11:17 तक होगा, उसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र होगा। अब बात कर लेते हैं योग के बारे में। साध्य योग 4:57 तक होगा जो कि शुभ योग बनेगा उसके पश्चात। कर्ण की बात कर लेते हैं, बवकर्ण 7:33 तक होगा, उसके पश्चात बालव 7:15 तक, उसके पश्चात कौलवकर्ण होगा। बात करते हैं वार के बारे में। आज बड़ा शुभ वार है, शनिवार है और शनिवार के दिन हनुमान जी और श्री शनि महाराज के यहाँ पे दर्शन, मंदिर में दर्शन जरूर करने चाहिए तो उससे विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। आइए बात कर लेते हैं चंद्रमास एवं संवत के बारे में। लूनर मास चंद्रमास मार्गशीर्ष पूर्णिमा अंत होगा, साथ ही कार्तिक अमांत होगा। संवत शक संवत 1941 विकारी, विक्रम संवत 2076 परिधावी, गुजराती संवत 2076 विरोध करते। आइए बात कर लेते हैं राशि तथा नक्षत्र के बारे में। सूर्य राशि, सूर्य जिस राशि पर है वो है तुला राशि। 1:07 तक तुला राशि का रहेगा सूर्य, 9:17 तक, उसके पश्चात वृश्चिक राशि के सूर्य हो जाएंगे। चंद्र राशि की बात करते हैं तो चंद्रमा जिस राशि में है वो राशि है मिथुन राशि। बात करें अगर सूर्य नक्षत्र की तो सूर्य नक्षत्र जो है विशाखा नक्षत्र है। बात कर लेते हैं नक्षत्रपथ के बारे में। तो आद्रा नक्षत्र क्रमशः 2, 3, 4 पर बना हुआ है, फिर उसके पश्चात 1, 2 पर पुनर्वसु नक्षत्र होगा। आइए बात कर लेते हैं ऋतु तथा अयन के बारे में। दृक ऋतु हेमंत ऋतु होगी, साथ ही दृक अयन दक्षिणायन होगा। वैदिक ऋतु की बात करें तो शरद ऋतु होगी और वैदिक अयन दक्षिणायन होगा। दिनमान की बात करें तो दिन जो है 10:43:10 का होने वाला है, साथ ही रात्रिमान की बात करें तो रात्रि 13:17:37 की होने वाली है। मध्याह्न की बात करें तो 12:06 पर मध्याह्न होगा। आइए बात कर लेते हैं आज के शुभ समय के बारे में। अभिजीत मुहूर्त 11:44 तक होगा, मतलब सुबह 11:44 से शुरू होकर दोपहर के 12:27 तक होगा। अमृतकाल जो है, आज अमृतकाल का बड़ा शुभ योग बन रहा है तो जो भी शुभ कार्य करने हैं आपको तो ये बड़ा शुभ मुहूर्त है, इस बीच में आप अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। 1:15 से 2:51 तक अमृतकाल होगा, साथ ही विजय मुहूर्त 1:53 से 2:36 तक होगा। तो विजय मुहूर्त में जो भी काम आपको व्यापार से संबंधित काम करने हैं उसमें आपकी विजय जरूर होगी। आइए बात कर लेते हैं गोधूली मुहूर्त के बारे में। गोधूली मुहूर्त जो है 5:17 से 5:41 तक रहेगा, साथ ही सायन संध्या शाम को 5:30 से लेकर के तो 6:47 तक होगी शाम तक। बात कर लेते हैं निशिता मुहूर्त की तो निशिता मुहूर्त रात्रि में 11:39 से शुरू होगा और 12:33 तक जो है 9:17 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 17 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त 4:59 पर होगा और फिर 5:52 तक होगा। प्रातः संध्या की बात करें तो 5:25 से 6:45 तक प्रातः संध्या होगी। ये बात कर लेते हैं आज के शुभ समय के बारे में। आज का शुभ समय, आज का राहु काल 9:25 से 10:45 तक होगा। गोलिक काल की बात करें तो 6:44 से 8:04 तक गोलिक काल होगा। यमगंड की बात करें तो 1:26 से 2:46 तक आज का यमगंड होगा।
आज का दुर्मुहूर्त 6:44 AM से 7:27 AM और फिर 7:27 AM से 8:10 AM तक होगा। वर्ज की बात करें तो वर्ज 7:38 AM से 9:15 AM तक होगा। आइए हम बात कर लेते हैं आज के आनंद आदि योग तमिल योग के बारे में। आज का आनंद आदि योग मुदगर 11:17 PM तक होगा, फिर उसके पश्चात छत्र योग बनेगा। तमिल योग की बात करें तो मरण 11:17 PM तक होगा, उसके पश्चात सिद्ध योग होगा। आइए बात कर लेते हैं आज के निवास और शूल के बारे में। होमावती मंगल की होगी 11:17 PM तक, उसके पश्चात गुरु की होगी। दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल जो है आज पूर्व दिशा का होगा। पूर्व दिशा की यात्रा कदापि न करें, लेकिन फिर भी जरूरी हो यात्रा करना तो पूर्व दिशा के अनुरूप जो है आप उपाय कर सकते हैं और फिर यात्रा कर सकते हैं। राहुवास पूर्व दिशा में होगा और अग्निवास जो है आज पृथ्वी पर होगा, तो आज जो भी हवनात्मक कार्य आपको करने हैं हवनात्मक कार्य आप कर सकते हैं। चंद्रवास पश्चिम में होगा। आइए बात कर लेते हैं आज के चंद्रबलम के बारे में। निम्न राशि के लिए उत्तम चंद्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक होगा। मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर, वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों के लिए अष्टम चंद्र शुभ फलदायी होगा। आइए बात कर लेते हैं ताराबलम के बारे में। निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 11:17 PM तक होगा। अश्विनी, कृतिका, दक्षिणा, पुनर्वसु, कुश, मखा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। अब बात कर लेते हैं निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक होगा। भरिणी, रोहिणी, आद्रा, कुश, श्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, षद्भिषा, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती। अब पंचक रहित मुहूर्त और उदय लग्न के लिए आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।